वोटिंग लाइव, तो वोटिंग भी लाइव है और हम अपडेट्स भी तमाम आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर, वोटिंग परसेंटेज पहुंचा है हम तक, किस जिले में कितने परसेंट वोटिंग हुई है ये आपको बता दें। 12 जिले हैं और 53 विधानसभा की सीटें हैं, उन पर मतदान तो चल रहा है लेकिन अलग अलग जिले में कितना फीसदी मतदान हुआ है। इलाहाबाद में सुबह 9 बजे तक के आंकड़े कहते हैं कि 11% मतदान यहाँ हुआ है। फतेहपुर में सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है 10% मतदान का। कौशाम्बी में ये आंकड़ा 10% मतदान का ही है। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायबरेली में हुआ है 9.9% मतदान। इसके अलावा बांदा में हुआ है 15% मतदान, अभी तक सबसे ज्यादा इस चौथे चरण के चुनाव में। बांदा में सुबह 9 बजे तक 15% मतदान हुआ है। तो यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि 100 लोग अगर हैं तो 100 में से 15 लोगों ने मतदान कर लिया है सुबह 9:30 बजे जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अलग अलग जिलों में वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम तक पहुंचे हैं। औसत मतदान की अगर बात करें तो 12-15% मतदान हुआ है, कहीं पर 10% भी हुआ है। फतेहपुर में 10% मतदान की खबर है। तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। लोकल पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और कोशिश यही है कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। लेकिन कहीं कहीं पर खबरें ऐसी भी हैं कि वहां पर झड़प हुई चुनावी पार्टियों के, सियासी पार्टियों के समर्थकों के बीच और गोलीबारी तक नौबत पहुंची। लेकिन ज्यादातर जगहों पर फिलहाल शांतिपूर्ण चुनाव की खबर है और मतदाताओं में भी खासा उत्साह और खासे उत्साह के साथ साथ जागरूकता भी नजर आ रही है। लोग जागरूक हैं अपने अधिकार को लेकर भी, और इसीलिए सुबह जब 7 बजे का वक्त था उस समय जो हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे थे उसमें ये साफ नजर आया कि लोग 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों तक पहुंचने शुरू हो गए थे, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। और जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर तो व्यवस्था और भी ज्यादा चाक चौबंद इस अंदाज में नजर आई कि लोग वहां पर जो पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए उन्हें गुलाब का फूल देकर उनका सम्मान भी एक तरीके से किया गया। और उन्हें ये भी कहा गया, उनसे भी अपील की गई कि जब आप अपने अपने इलाकों में जाएं तो वहां भी लोगों को प्रेरित करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि मेहनत होती है कई महीनों की और कई महीनों की मेहनत का नतीजा सामने आता है उस दिन जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन मतदान होता है। और इसीलिए कोशिश यही है कि जो वो तमाम कोशिशें हुई हैं उनका नतीजा नजर आए, मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग जागरूक हों और बढ़िया कैंडिडेट को, जो कि सही कैंडिडेट है, उसके पक्ष में मतदान करें। हालांकि अलग अलग सियासी पार्टियों के अलग अलग दावे भी नजर आ रहे हैं, वो भले ही बीजेपी के हों, भले ही समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के बाद दोनों के जो दावे हैं अब उनमें थोड़ा सा थोड़ी समानता देखने को जरूर मिलती है, लेकिन दावे हैं, सब अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, तो जब दावों का जिक्र करते हैं तो जहन में आते हैं नेताओं के चेहरे भी, कौन सा नेता क्या दावा कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत आपको सुनाते हैं मेरे सहयोगी के साथ, उन्होंने भी अपने अंदाज में दावा किया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ है, जिन्होंने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बताएं, इलाहाबाद फूलपुर से आपको सांसद हैं, इलाहाबाद में 12 सीट थी 2012 में, कहीं भी बीजेपी खाता नहीं खोल सके, प्रतिष्ठा दांव पर है। 2012 और 17 के बीच में गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है, ये संगम का क्षेत्र है, गंगा मैया का पावन तट है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2014 में हम सभी सीटों पर नंबर एक पर थे और 2014-17 में दोहराने जा रहे हैं। हम यहाँ की सभी 12 सीटें अपने गठबंधन साथियों के साथ जीतने जा रहे हैं। इस बार विरोधियों का यहाँ खाता नहीं खुलने वाला। पहले 3 चरणों में मतदाताओं को जो रुझान रहा है, चौथे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो उसको लेकर अब क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है अब पार्टी के लिए? जबरदस्त उत्साह है चौथे चरण को लेकर के, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस उत्साह के साथ मतदाता घर के बाहर निकल रहा है वह बहुत अच्छे संकेत है। यह इलाहाबाद शहर है, यहाँ मतदान का प्रतिशत सदैव थोड़ा कम रहता था, लेकिन आज उत्साह एक अलग प्रकार का। बीजेपी में सीएम कैंडिडेट के तौर पर कोई चेहरा नहीं है, तो क्या आप भाजपा का हर कार्यकर्ता सीएम का चेहरा है, और 11 तारीख को वोटों की गिनती होने के बाद विधायक दल और केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन यूपी का सीएम होगा। अपना मुकाबला किस पार्टी से मान रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कोई मुकाबले में कोई है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजय की ओर बढ़ रही। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में काबिज होने जा रही है। और अगर इलाहाबाद की बात करें तो 12 विधानसभा सीटों पे 2012 में पार्टी जो है खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार सभी सीटों पे भाजपा जो अपनी जीत दर्ज करेगी। इलाहाबाद से कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस।
हालांकि साफ तो 11 मार्च को होगा कि 11 मार्च को जब मतदान पेटियां खुलेंगी, नतीजे बाहर आएंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य का या बाकी किसी भी और नेता का दावा कितना पुख्ता नजर आएगा, कितना सटीक नजर आएगा। लेकिन 2012 में खाता भी नहीं खोल पाए और 2017 की जब बात आती है तो कहते हैं कि 12 की 12 विधानसभा की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपको सुनाते हैं हम अदिति सिंह ने क्या कहा। रायबरेली सदर से कांग्रेस की प्रत्याशी है, अखिलेश सिंह की बेटी है, पहली दफा विधानसभा चुनाव में कंटेस्ट कर रही है, वोट डाला है, उसके बाद क्या कहा सुनाते हैं आपको। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है जनता से। कितना लोग जुड़ रहे हैं, कि किस तरह देख रहे हैं आज चौथे चरण के मतदान वोटिंग चल रहा है, कितना आपको लग रहा है उम्मीद है? आई थिंक पूरी उम्मीद है जीत की यहाँ से। जी जी जी। आपके पिताजी भी काफी लंबे समय से इधर के विधायक रहे और उनका कितना सपोर्ट? पूरा सपोर्ट रहा है, ऑफ कोर्स मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है, हर चीज उन्हीं से सीखी है। राजनीतिक गुरु मानते हैं जी। ये गठबंधन को किस तरह देखते हैं? बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी चीज है ये गठबंधन, इससे हम लोग को भी फायदा हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर की गठबंधन की सरकार आएगी। और क्या और किस तरह आपका अभी जाने वाली है? और अब मैं बस कुछ बूथ वगैरह पे जाऊंगी थोड़ा इंस्पेक्ट करने देखने। अभी तक सब सही चल रहा है? तो पहली बार चुनाव में खड़ी हुई है प्रत्याशी के तौर पर, पिता की लंबी सियासत रही है, लंबा करियर सियासत में रहा है और दोनों ही चीजें हैं। हो सकता है कि बाहरी होने का नुकसान झेलना पड़े, लेकिन यह भी हो सकता है कि विदेश से पढ़ लेकर आई हैं और विदेश की जो बेहतरी है उसे यहां पर लागू करने के एवज में जनता उन पर भरोसा भी जाहिर करे। हम दिखाते हैं आपको कि कहां कहां पर मतदान आज हो रहा है। 12 जिलों की जो 53 विधानसभा की सीटें हैं, कौन कौन से जिले हैं, ये 6 तस्वीरें आपके सामने। पहले प्रतापगढ़ को देख लीजिए, यहां पर तैयारियां भी नजर आ रही है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चिपकाई गई है। जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा और रायबरेली, ये 6 जिले आपके सामने हैं, जिनमें से कुछ बुंदेलखंड के जिले हैं। रायबरेली की सीट है और रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं। तमाम जगहों पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं, उत्साह है, महिला प्रत्याशी हैं, इसके अलावा बुजुर्ग लोग भी काफी तादाद में बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये चौथे चरण के 12 जिले जिनमें से 6 की तस्वीरें आप देख रहे थे, और 6 और तस्वीरें देख लीजिए, हमीरपुर, इलाहाबाद, झांसी, फतेहपुर, चित्रकूट और कौशाम्बी। इनमें इलाहाबाद की भी सीट खासी महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें इलाहाबाद में, 12 विधानसभा की सीटें। बीजेपी ने खाता भी 2012 में नहीं खोला था, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था और इस दफा दावे भी अलग हैं और वायदे भी अलग हैं। 2014 के रण की तरह एक बार फिर से रण फतेह करने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन 8 सीटों को बचा पाएगी, इससे इसमें इजाफा होगा या फिर इसमें कटौती होगी, सवाल ये भी। झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और कौशाम्बी की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पोलिंग बूथ पर जो कर्मचारी मौजूद हैं वो लोगों से मतदान कराते हुए और अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ, मतदाता पहचान पत्र के साथ लोग वहां पर पहुंचे। और हमीरपुर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अलग इस अंदाज में है, अलग इस मायने में है कि वहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और आदर्श मतदान केंद्र दरअसल एक ऐसी सोच है, एक ऐसा इरादा है कि भविष्य में सारे जो मतदान केंद्र हो वो इसी तर्ज पर बनाए जाए, इतने ही साफ सुथरे हो, इतनी ही व्यवस्था वहां पर हो, इसी तरह के इंतजाम हो। और देख भी रहे होंगे आप हमीरपुर में जो पूरी कतार खड़ी है, उन सब लोगों के हाथों में गुलाब का एक फूल है जो इन्हें नाइस जेस्चर के तौर पर दिया गया है, जो इन्हें इनके सम्मान में दिया गया। और कहा जा रहा है लोगों से कि आप अपील कीजिए अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों से ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकले और अपील इस बात की कि मतदान का प्रतिशत भी पिछले दफा के मुकाबले बेहतर हो। तो सुबह से लगातार हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, समाचार प्लस पर महा कवरेज जारी है। बुंदेलखंड के 7 जिले खासे महत्वपूर्ण, क्योंकि यही वो बुंदेलखंड है जिसकी भूख और जिसकी प्यास पर सियासत करती है। और दिग्गजों की नेक टू नेक फाइट भी आपको दिखा दे, कौन सी सीट पर कौन सा दिग्गज चुनावी मैदान में और किसको दे रहा है टफ फाइट, दिखाते हैं आपको ये नेक टू नेक फाइट। रामपुर खास सीट, सबसे पहले आराधना मिश्रा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उनकी बेटी आराधना मिश्रा को टिकट दिया है रामपुर खास से कांग्रेस ने। कुंडा बेहद महत्वपूर्ण सीट, रघुराज प्रताप सिंह छक्का लगाने के मूड में है और यहां से परवेज अख्तर अंसारी बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है।
विश्वनाथगंज से प्रेम आनंद त्रिपाठी को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं संजय पांडे। ये सीट विश्वनाथगंज की। इसके अलावा अगली सीट का जिक्र करें, पट्टी से खड़े हैं राम सिंह पटेल चुनावी मैदान में और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार है। कंटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ राजेंद्र प्रताप और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। रानीगंज विधानसभा की सीट, एसपी से टिकट मिला शिवकांत ओझा को और शकील अहमद पर भरोसा जाहिर किया है बहुजन समाज पार्टी ने। इसके अलावा अगली सीट की तरफ हम बढ़े और अगली सीट भी आपको बता दें कहां, मंझनपुर सुरक्षित सीट है ये। इंद्रजीत सरोज यहां से बीएसपी के टिकट पर है और बीजेपी ने टिकट दिया लाल बहादुर को। ये नेक टू नेक फाइट, दोनों चेहरे महत्वपूर्ण, दोनों चेहरे दिग्गज। और इसके अलावा प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुई है विजमा यादव। जनता भरोसा करेगी या नहीं मुज्तबा सिद्दीकी, उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ने, उन्हें टिकट थमाया है। मेजा से नीलम करवरिया और राम सेवक पटेल के बीच में टक्कर। जी हाँ, तो महत्वपूर्ण चेहरे और महत्वपूर्ण इन तमाम लोगों के चुनावी नतीजे भी रहेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं प्रतापगढ़ से है, समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य ने बीएलओ को धमकाया है, बूथ लेवल ऑफिसर को धमकाने की यह खबर। समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य ने बूथ पर ही धमकी दी है बीएलओ को देख लेने की। भदवच गांव के बूथ नंबर 132 का ये मामला है और जो बीएलओ वहां पर तैनात थे हरिराम सरोज, उन्होंने प्रशासन से इस बात की शिकायत भी कर ली है। बीएलओ ने एसपी नेता पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है और वोटर्स की मतदाता पर्चियां जारी करने का दबाव बनाया गया उन पर। एसपी के पक्ष में मतों की संख्या में बढ़ोतरी करने का दबाव उन पर बनाया गया। हालांकि उन्होंने भी निसंकोच भाव से, उन्होंने भी साहस दिखाते हुए प्रशासन से इस बात की शिकायत कर दी है। बीएलओ है हरिराम सरोज, जिन्होंने प्रशासन से शिकायत कर दी है कि इस तरीके का दबाव समाजवादी पार्टी की तरफ से उन पर बनाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से बनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके सामने, दरअसल उन पर वोटर्स की मतदाता पर्चियां जारी करने का दबाव था। तो अपडेट्स लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, हर जिले की ताजा अपडेट सबसे पहले समाचार प्लस पर। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से हम अपील भी कर रहे हैं कि जो भी दर्शक इस समय समाचार प्लस देख रहे हैं वो भी घरों से बाहर जाएं और वो भी मतदाता पहचान पत्र के साथ बाहर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वोट परसेंटेज जितना बेहतर होगा, जितनी ज्यादा तादाद में आप वोट करेंगे और सही कैंडिडेट को वोट करेंगे, सरकार आपकी उतनी ही बेहतर बनेगी। हमारे साथ दो इस समय मेहमान जुड़ रहे हैं, संजीव मिश्रा हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत, संजीव जी आपका भी स्वागत और कृष्णकांत जी आपका भी स्वागत। हालांकि आप दोनों सहयोगी हैं, बेहतर होगा इस पैनल में कुछ और लोग भी जुड़े, बीजेपी के लोग जुड़े। लेकिन संजीव जी, सवाल मेरा आपसे, पहला सवाल, इसके पहले जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी, चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी, तब तक बहुत सारे चर्चाओं में आप मेरे साथ बैठे और आपने जितनी शिद्दत से बीजेपी पर वार किया उतनी ही शिद्दत से आपने कांग्रेस पर भी वार किया। अब जब दौर बदल गया है, समय बदल गया है, आप साथी हो चुके हैं सियासत के दुश्मन ना रहकर, तो कैसा लगता है उन्हीं तमाम चीजों को डिफेंड करना जो आपने एक जमाने में कही थी? देखिए, इस समय चूंकि गठबंधन की लहर चल रही है जी, और अब बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, मैं समझता हूं कि जो पुरानी बातें हैं उनको भूल करके नए सिरे से नई सरकार बनने जा रही है हमारी, और अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन आप ही के तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं 2017। अच्छा, रोक रही हूं संजीव जी आपको। 2000 जी 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 प्लीज जी 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 बताइए। इसके बाद 2017 और 2022 तक का जो सफर है हमारा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में विकास भी होगा और एक ऐसा माहौल भी दिखाई देगा आपको, जिस तरीके से भ्रमित किया है पूरे देश को मोदी जी ने, उसके बाद अब माहौल चेंज होना है। 2017 में हमारी सरकार गठबंधन की बनेगी, और ये मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि 2019 में जो मोदी जी ने कहा था कि मैं झोला उठा करके चल दूंगा, तो मुझे लगता है कि वो झोला उठा के चलने और गुजरात पहुंचने का उनका समय आ गया जी। लेकिन संजीव जी, आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूरी था, अगर झगड़ा नहीं हुआ होता, हालात इतने खराब नहीं होते तो गठबंधन की जरूरत ही नहीं होती, तो इस समय पर ये बात कहने की नौबत और जरूरत क्यों महसूस हुई मुख्यमंत्री को? गरिमा जी, देखिए बहुत साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निहायत ही शरीफ और बेदाग लोग हैं,
ठीक है, और वो सच सच बात कहते हैं। अगर सच बात कहने में कोई गुरेज है, मुझे लगता है कि जनता को सच समझ में आता है। ये जो झूठे लोग आज राजनीति में आ गए, उनके बजाय एक साफ छवि के मुख्यमंत्री हैं, और फिर से जनता उनको चुन रही है। तीन चरणों का जो चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों की जीत हो रही है, गठबंधन की जीत हो रही है। अब इसके बाद जो चार चरण है, निश्चित रूप से जनता देख रही है कि कौन झूठ लोग झूठे वादे करते हैं। जिन्होंने 2014 में महंगाई कम करने की बात की, बड़े बड़े हमने भी विज्ञापन देखे थे, हाई महंगाई, डायन महंगाई, मार डाला जैसे विज्ञापन आज कहां चले गए। कौन सी महंगाई कम की, कौन सा विदेशों से काला धन लेकर के आ पाए। उन्होंने तो कहा था कि हम विदेशों से काला धन ना ला पाए तो फांसी पे लटका देना। तो मुझे तो लगता है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से एक माहौल बड़ा अजीब हुआ कि जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती वो बहुत बुरी तरीके से तार तार हुई है। मुझे लगता है कि जनता को अब सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया, और वो जनता सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। तो सवाल तो संजीव जी आप पर भी है, ठीक है, हमने आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए बीजेपी के भी नुमाइंदे को बुलाया, वो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सवाल तो आप पर भी है सर। आप गायत्री प्रसाद प्रजापति को टिकट देते हैं नाराजगी के बावजूद, तो क्यों बन गए गायत्री प्रसाद प्रजापति आपकी मजबूरी, या फिर क्यों आपके लिए जरूरी हो गए? आपने भी तो विरोध किया था अखिलेश यादव को, आप सच्चाई का मुलम्मा जरूर पहना रहे हैं, लेकिन विरोध तो अखिलेश यादव का सबसे मुखर होकर सामने आया था, क्यों झुक गए मुलायम सिंह के सामने, या कौन सी मजबूरी थी वो? क्या मैं अपनी बात रखूं? बिल्कुल सर, कहिए, आप ही को इसीलिए बुलाया गया। देखिए गायत्री प्रजापति जी की आप बात कर रही हो, मैं तो आपसे गरिमा जी बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई महिला अगर आज की तारीख में मोदी जी पर यही आरोप लगाए तो क्या होगा जी? जहां इससे भी तर हम भ्रष्टाचार के आरोपों की भी बात कर लेते, चलिए ठीक है, राज्य सरकार ने संजीव की नहीं दिखाते सर, सुन लीजिए संजीव जी, अगर हम आपको शिद्दत से सुन रहे तो आप भी तो सवाल सुन लेना। अगर राज्य सरकार ने, राज्य पुलिस ने संजीदगी नहीं दिखाई, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर दर्ज होती है, वो भी 3 दिन बाद जाकर, उसके बावजूद अगर आप गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर डिफेंड करते हैं, तो फिर बता दें कि खनन घोटाले के भी तो आरोप है उन पर, मंत्रालय तो ले ही लिया गया था ना उनसे सर। खनन मंत्रालय के जो भी आरोप है, आरोपों से काम नहीं चलता, आरोप तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी है, 14 आरोप है और हत्या का भी आरोप है उसमें। ये बात कहने का इसलिए जरूरत पड़ रही मुझे क्योंकि जब साफ सी बात है आरोप में दम नहीं होता। अगर गरिमा जी आपके पास भी कोई पुख्ता सबूत है तो निश्चित रूप से ये न्यायपालिका की जगह है, आप उस पर FIR लिखाइए। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुद्दों की संजीदगी को देखते हुए ही ये ऑर्डर दिया होगा ना कि FIR लॉन्च की जाए। आप देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं सर। खैर, गरिमा जी हमें पूरा पूरी बात आने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो उसमें कहीं कोई तो संजीदगी होगी ना, कहीं कोई तो मजबूती होगी, पूरी बात आने दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत संक्षेप में कह दीजिए बात, कृष्णकांत पांडे जी भी मेरे साथ है। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की प्रशासन पुलिस के ऊपर आरोप लगाया और हाई कोर्ट के ऊपर आरोप लगा। जब हाई कोर्ट की रिजेक्ट हो गई उनकी रिट थी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर FIR लिखने के लिए कहा है तो निश्चित रूप से FIR लिखी जा रही है, जांच हो रही है, और जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो साफ होगी। ठीक है ठीक है, लेकिन आप ये भी आपने कहा कि आरोपों में दम नहीं है, आरोप तो किसी पर भी कुछ भी लगा दिए जाते हैं। मैंने उसी बात पर काउंटर किया है सर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश जारी किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तथ्यों की विवेचना तो की होगी ना। खैर, ये देश की सर्वोच्च अदालत का मामला है, कम से कम उसका ख्याल करें सर, कम से कम उसका ख्याल करें। और याद आपको संजीव जी होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने समाजवादी पार्टी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में कई मुद्दों पर सवाल उठाए। यादव सिंह का मामला याद होगा आपको, कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, उनका हम रुख कर लें। कृष्णकांत जी, आप सहयोग की बात कर रहे हैं, आप अलायंस की बात कर रहे हैं, हालांकि चौथे चरण के चुनाव चल रहे हैं, 12 जिले हैं, 53 सीटें हैं, लेकिन उन 53 सीटों में भी रायबरेली सबसे महत्वपूर्ण है, याद दिलाना जरूरी है सर, इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि दम तो ठोक रहे हैं आप सियासत में साथी होने का, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बन पाई सर दोनों नेताओं के, जिन दो युवा चेहरों की आप बात करते हैं उनके बीच कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट आमने सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है।
गरिमा जी, हमारा गठबंधन बहुत लेट आवर में हुआ और उस गठबंधन होने के बावजूद भी कहीं अगर आमने सामने भी कैंडिडेट है तो ना कांग्रेस पार्टी कोई आपत्ति है ना समाजवादी पार्टी कोई आपत्ति है। और ऐसे बहुत चंद एक दो ऐसी जगह होंगे जहां इस तरह की बातें रह गई हैं। और ये भी बता दूं, चूंकि नॉमिनेशन वापस लेने का समय बीत गया था, ठीक है, और दोनों पार्टियों ने जगह जगह पे जहां भी हमारी बातें हुई है उनमें दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को वापस लेने के लिए मतलब चुनाव से अपने को विड्रॉ करने के लिए कहा गया है। और उसमें चूंकि चुनाव चिन्ह तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। कृष्णकांत जी, ये जवाब के लिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस समय की तस्वीरें थोड़ी सी उत्साहवर्धक हैं। देखिए जरा, बुजुर्ग मतदाता भी तरीके से पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लोग मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जा सके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दुल्हन के लिबास में एक महिला पहुंची है और दूल्हा दुल्हन दोनों पहुंचे हैं मत का इस्तेमाल करने के लिए। ये भी खासी उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर, दिखाने वाली तस्वीर भी कि लोकतंत्र के इस पर्व में आस्था का होना कितना जरूरी है, भरोसे का होना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार नहीं है, हिस्सेदार नहीं है, तो फिर आप वोट डालने आई हो आप? क्या करें, नहा भी नहीं है बेटा, हम रोज के नहा भी पा रहे। अच्छा, और नई सरकार से क्या क्या चाहती हो, क्या काम होने चाहिए? अच्छा होने चाहिए बेटा, पेट खो रोटी तनखो कपड़ा ओका चाहिए बेटा, जैसे चाहिए ओका लेना बेटा। बेटा रोजगार बेरोजगार है, बेरोजगार मिले बस सुरखा चाहिए। इतने सालों में जो सरकारें थी सब ने कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचा है क्या? अब भाई पहले राजूवादी थी, उनने पेंशन बंदवाई थी। इससे पहले और जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, और हमें बेटा वो नहीं है, देख तबियत सही नहीं है। विकलांगों के लिए आप जैसे बुजुर्गों को कोई नहीं पेंशन वेंशन कोई नहीं है? विकलांग की वही विधवा की बनी थी, हम 22 साल की उम्र में खाली हो गए। बस चाहिए विकलांग की पेंशन मिल जाए, लड़का को काम धंधो मिल जाए, बस सुरखा चाहिए बेटा। पेट में तकलीफ है, बीमार है बच्चा हमारा पथरी धरी, अब 2-3 साल से परेशान है हम, क्या करें बच्चा को। तो ये बुजुर्ग महिला मतदाता जिनकी परेशानियां भी इन्होंने बताई हैं और ये भी जाहिर किया है कि वोट देने तो जरूर पहुंची हैं, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां और तमाम सरकारें एक जैसी हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े करती हैं लेकिन जब हकीकत में उन्हें अमली जामा पहनाने का वक्त आता है तो फिर सरकारें भूल जाती हैं कि दावा उस समय वोट मांगते समय दरअसल किया क्या गया था। और दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, संजीव मिश्रा जी भी और कृष्णकांत पांडे जी भी। कृष्णकांत जी, सवाल मैं आपसे पूछ रही थी और सवाल मेरा यही था कि क्यों सहमति अंत तक नहीं बन पाई, और कई जगहों पर ऐसा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आपकी भी बात जायज है सर, कि अलायंस होगा इस बात की घोषणा बहुत देर से हुई और इसीलिए जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था उनके नॉमिनेशन को वापस लेने का वक्त बचा नहीं था, लेकिन वोटर्स में तो सर कंफ्यूजन होगा ना, और इसका फायदा तो आप दोनों को ही होगा सर, माफ कीजिएगा, इसका नुकसान तो आप दोनों को ही होगा। आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल इतना तेज हो गई है कि वोटर में तो 1% का भी कंफ्यूजन नहीं, नेता कंफ्यूज हो सकता है, वोटर तो कंफ्यूज ही नहीं है एकदम से, वो क्लियर कंसेप्ट बना के बैठा हुआ, मुझे कहां जाना है और किसे क्या करना, 2014 में किसने वादे किए उसे ठीक करना है कि 2012 की सरकार को फिर रिपीट करना है, एकदम वोटर का क्लियर कंसेप्ट है। और हमारे यहाँ और एक भी सीट पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का कोई विवाद नहीं है, सारी सीटों पे जहां पे हमारे समझौते हैं हमने अपने उम्मीदवार को चुनाव से विड्रा होने के लिए कह दिया, समाजवादी पार्टी ने चुनाव से विड्रा होने के लिए कह दिया। और गरिमा जी, आज चौथे चरण का चुनाव है, 262 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में अब चुकी गठबंधन में क्या पेच रह गया नहीं पेच रह गया, अखिलेश जी ने क्या बयान दे दिया, राहुल जी ने क्या बयान दे दिया, अब यह कोई मुद्दा नहीं रह गया। नहीं क्या आपको लेकिन हतोत्साहित नहीं करेगा सर कृष्णकांत जी? कृष्णकांत जी, पहली बात तो ये, कृष्णकांत जी देखिए यहाँ पर मुझे इंटरवीन करने दीजिए, कांग्रेस पहले से इतने बुरे दौर में है, याद मैं आपको जरूर दिला दूं 1996 में जब बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, राहुल गांधी ने कम सीटों के चलते खुद उस गठबंधन की आलोचना की थी और कहा था कि सबसे बड़ी देश की पार्टी सूबे में एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने झुक जाए, कम सीटें आ जाए, लेकिन अपनी ही आलोचना को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने फिर से वो काम किया। और दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी कांग्रेस के जिस बुरे दौर को देख रहे हैं उसमें अखिलेश यादव का ये कह देना क्या आग में घी जैसा काम नहीं करता, आपके कार्यकर्ताओं को आपके नेताओं को हतोत्साहित नहीं करता क्या? गरिमा जी, कहीं हतोत्साहित नहीं करता, परिस्थितियां और समय के मुताबिक स्थितियां बदलती रहती हैं। आज वक्त की नजाकत थी,
कि हमें कुछ दलों को जो विकास में रोड़ा पैदा कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, रोजगार नहीं देने की स्थिति में है, जिनके कारण किसान आत्महत्या की स्थिति में, उनसे बचाने के लिए हमें यह गठबंधन करना पड़ा। अरे सर, कौन से किसानों की आप बात कर रहे हैं? 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही सर, बुंदेलखंड का इतिहास में अगर निकाल के देख लूं, 7 जिले आते हैं गरिमा जी, बुंदेलखंड सही जगह पे आप आ गए, सरकार रही है 10 सालों तक, और उस समय में किसानों की आत्महत्याओं के जो आंकड़े हैं अब से बिल्कुल अलग नहीं थे सर। गरिमा जी बहुत सही सवाल आपने किया, बुंदेलखंड का जिक्र कर दिया, मैं चाह रहा था आपको बता दूं, 7,000 करोड़ रुपया 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, राहुल जी के दौड़े के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने स्पेशली बुंदेलखंड के 4 कामों के लिए दिया, 250 करोड़ रुपया झांसी विश्वविद्यालय के उच्चीकरण के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए, ताकि बुंदेलखंड की शिक्षा प्रभावित ना हो, और 800 करोड़ रुपया वहां के। कृष्णकांत जी, साल फिर से दोहरा दीजिए, कौन सा साल था? 2010। ठीक है, 2010। ठीक है सर, 2010 में मनमोहन सिंह जी ने 7,000 करोड़ रुपया बुंदेलखंड के लिए, जो राजाओं के समय के तालाब थे, जो इंटरकनेक्टेड थे, जिसके जो ध्वस्त हो चुके थे, चूंकि वहां का पानी पहाड़ों में चला जाता है, पानी सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन उन्हीं उसी मनमोहन सिंह सरकार ने सर, सही करने का याद दिलाना होगा मुझे आपको, उसी मनमोहन सरकार ने बुंदेलखंड अलग राज्य के प्रस्ताव को डस्टबिन में भी फेंक दिया था, याद कर ये कीजिए। अलग राज्य बने ये निदान नहीं है गरिमा जी, बुंदेलखंड का विकास हो ये निदान है, बुंदेलखंड अलग तो हो दो भाई है, एक भाई बढ़ जाता है उसका विकास हो जाएगा। ठीक है, आपने 2010 के आंकड़े गिनवाए, आपने तमाम योजनाओं का जिक्र कर दिया जो बुंदेलखंड के लिए केंद्र सरकार ने की, बावजूद इसके आप 2010 की बात कर रहे हैं सर, दर्शक आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आप 2010 की बात कर रहे हैं, आप हजारों करोड़ के रुपए के पैकेज का जिक्र कर रहे हैं, आज 2017 में जब हम बैठकर बात कर रहे हैं, तो क्यों बुंदेलखंड की उसी बदसूरत तस्वीर का हमें जिक्र करना पड़ता है सर? सबसे ज्यादा बदकिस्मती इस देश की यही है कि 2010 में जो हुआ वो 2017 तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा जिन लोगों के लिए हुआ है। नरेंद्र राणा जी हमारे साथ।